बदलते समय के साथ खेती करने का तरीका भी बदला है। संसाधनों की नई तकनीक के साथ बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, इसकी समझ अब भारतीय किसानों को भी हो रही है। तभी तो हमीरपुर के परविंदर सिंह ग्राफ्टिंग तकनीक से सब्जियां उगा रहे हैं और दूसरे किसानों को भी इस तकनीक के बारे में समझा रहे हैं। आलू के ऊपर बैंगन और आलू के ऊपर टमाटर, ये मैं पहले भी तैयार कर चुका हूँ और इसके मैंने काफ़ी प्लांट तैयार किए हैं और मैं फार्मर वगैरह को इनको मतलब ग्राफ्टिंग करके इनको मैं फार्मर वगैरह को भी देता रहता हूँ और काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट है, आपने देखा ही है। तो मैं चाहता हूँ कि किसान भाई जो है मतलब इस तकनीक को अपनाएं और एक ही जगह पर मतलब वो दो फसलें ले सकते हैं। अक्सर छोटे किसान कम जमीन की समस्या से जूझते हैं और एक वक्त पर सिर्फ एक ही फसल का उत्पादन कर पाते हैं, पर ग्राफ्टिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके इस्तेमाल से किसान एक समय पर एक से ज्यादा सब्जियों का उत्पादन कर सकते हैं और ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। परविंदर ने ग्राफ्टिंग तकनीक से एक समय पर ही आलू और बैंगन की फसल उगाई है। परविंदर ने इस तकनीक का प्रयोग दूसरी फसलों पर भी किया है। इसमें ग्राफ्टिंग करने के बाद 1.5-2 महीने इसको लग जाते हैं मतलब, और फ्रूटिंग वगैरह नीचे आलू वगैरह उसको मतलब टाइम टाइम पे फर्टिलाइज़र वगैरह और उसकी देखभाल, मतलब एक ही प्लांट में आपको दो चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे नीचे आलू और ऊपर टमाटर या नीचे आलू ऊपर बैंगन। और इससे पहले मैंने अश्वगंधा के ऊपर तैयार किया है, तो एक साइड में टमाटर तैयार किया था और एक साइड में बैंगन, वो भी सक्सेस रहा। इस तकनीक को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके, इसके लिए किसान ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। मैं किसानों से यही कहना चाहता हूं कि मतलब इस तकनीक को अपनाएं और ये तकनीक काफ़ी अच्छी है। कृषि विभाग से मैं चाहता हूं कि मतलब थोड़ा सा मेरे को प्रोत्साहन मिले कि मैं आगे बढ़ूँ और किसानों की कुछ मदद कर सकूँ। ग्राफ्टिंग जैसी कई तकनीकें किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रही हैं और किसान तेजी से पारंपरिक खेती से प्रगतिशील खेती की तरफ रुख कर रहा है। लेकिन अभी कुछ किसान नई तकनीकों के इस्तेमाल से कतराते हैं, जिन्हें जागरूक करना जरूरी है। सूर्या समाचार के लिए हमीरपुर से जसबीर कुमार की रिपोर्ट।